हेलो माय ऑल डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। हम ये तीनों आपके लिए इस वजह से कह रहे हैं कि जब भी आप हमारी रिकॉर्डेड क्लास देखेंगे, सुबह, दोपहर में या शाम को, तब के लिए आपको मेरी तरफ से ये अभिवादन। आज इस क्लास में हम कंप्लीट करेंगे इंटरमीडिएट विस्तास बुक की पोयम नंबर 5, आंट जेनिफर्स टाइगर्स। इसका हम सेंट्रल आइडिया देखते हैं, इसकी मुख्य थीम क्या है। सेंट्रल आइडिया मीन्स जो पूरी थीम होती है, उस थीम को हम देखते हैं और उस थीम को यहाँ पर हमने लिखा है, अपनी तरफ से लिखने का प्रयास किया है। आइए अब इसको हम लाइन बाय लाइन इसका एक्सप्लेनेशन समझते हैं कि पूरी कविता में कहा क्या गया है। आंट जेनिफर्स टाइगर इसको कंपोज्ड किया है, एंड्रियन रिच जी ने कंपोज्ड किया है और इसका सेंट्रल आइडिया अब कहता, इन दिस पोएम द पोएटेस एंड्रियन रिच डिस्कस अबाउट द इश्यू ऑफ मेल डोमिनेंस। कि इस कविता में कवियत्री एंड्रियन रिच ने वर्णन किया है अबाउट द इश्यू ऑफ मेल डोमिनेंस, कहता है मानव प्रभुत्व वाले समाज का वर्णन किया है। द पोएम शोज द कन्फ्लिक्ट्स ऑफ अ वुमेन, यह कविता प्रदर्शित करती है कन्फ्लिक्ट्स मीन्स द अंतर्द्वंद को, ऑफ अ वुमेन मीन्स एक महिला की, विच सी हैज टू बियर इन अ मेल डोमिनेंट सोसाइटी, जिसे वह इस मानव प्रभुत्व समाज में सहन कर रही है, बर्दाश्त कर रही है। बियर मीन्स होता बर्दाश्त करना या सहन करना। मोस्टली हमारी महिलाएं विवाह के उपरांत उनके ऊपर बहुत सी जिम्मेदारियां आ जाती हैं, उन जिम्मेदारियों को सहन करते हुए, उन जिम्मेदारियों का पालन करते हुए उनकी निजी या उनकी जो निजता होती है, उनकी जो स्वतंत्रता होती है वो समाप्त हो जाती है। एक माँ के रूप में, एक पत्नी के रूप में इन सभी जिम्मेदारियों को जब वो निर्वहन करने लगती हैं तो उनका जो स्वतंत्रता, जो उनकी स्वतंत्रता थी वो उनसे छिन जाती है। उसी के बारे में कवियत्री यहाँ पर वर्णन कर रही हैं। कहती आंट जेनिफर्स इज सिंबॉलिक ऑफ ऑल द वुमेन ऑफ वर्ल्ड, कहता आंट जेनिफर जो हैं, आंट जेनिफर जो हैं इज ए सिंबॉलिक मीन्स प्रतीक के रूप में ली गई हैं यहाँ पर, ऑफ ऑल द वुमेन मीन्स उन सभी महिलाओं के, ऑफ द वर्ल्ड मीन्स संसार में सभी महिलाओं के प्रतीक के रूप में यहाँ पर कवियत्री जी आंट जेनिफर को लेती हैं। हु आर विक्टिम ऑफ ऑपरेशंस इन अ मेल, कहता जो मनुष्य के अत्याचार की शिकार हो चुकी है डोमिनेंट सोसाइटी, कहता मानव प्रभुत्व समाज में मनुष्य के अत्याचारों की जो शिकार हो चुकी है। द पोएम कंपेयर्ड आंट जेनिफर विद द फियरलेस टाइगर्स, कहता यह कविता आंट जेनिफर की तुलना करती है किससे, विद द फियरलेस टाइगर्स माने उन निर्भीक चीतों से, टू होम सी हैड मेड ऑन अ पैनल, जिसे वह एम्ब्रॉयडरी के द्वारा अपने पैनल पर बना रही थी। इन द एंड वी कैन से, और अंत में हम ये कह सकते हैं कि वुमेन लाइफ शुड बी फियरलेस, कि महिलाओं की जिंदगी भी निर्भीक होनी चाहिए। किसकी तरह, लाइक टाइगर्स माने जिस प्रकार जंगल में विचरण करते हुए चीते स्वच्छंद रूप से फियरलेस होकर आज़ादी के साथ घूमा करते हैं, उसी प्रकार हमारे समाज में हमारी महिलाओं की जिंदगी भी होनी चाहिए, उनके ऊपर किसी प्रकार की पाबंदी नहीं होनी चाहिए। सो गाइस, ये हमारा आंट जेनिफर्स टाइगर्स का सेंट्रल आइडिया था, जो हमारी समझ से एकदम एक्यूरेट है। कम शब्दों में हमने पूरी बात कहने का प्रयास किया है। अगर आपको सेंट्रल आइडिया पसंद आया हो, पढ़ाने का तरीका पसंद आया हो, तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।